guys, a very warm welcome to all of you in Gurumantra Academy. I'm your educator Saranya, और आज हम पढ़ने वाले हैं recombinant DNA technology का continuation part 2. So I hope you guys are ready. तो शुरू करते हैं class. Okay, तो आज हम बात करने वाले हैं about vectors. So you know vectors are DNA. They are a part of DNA. क्या काम करते हैं? किसी एक फॉरेन डीएनए को व्हीकल के तरह कैरी करके लेके जाते हैं. वेक्टर्स का नाम ही है व्हीकल, मतलब है व्हीकल. ओके, सो व्हीकल का काम क्या है? किसी लोड को अपने ऊपर लेके जाना. सो व्हाट इज द लोड हियर? द लोड हियर इज अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट. जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर अपने पास रख लेता है एंड इट कैन आइदर रेप्लीकेट कर सकता है और इट कैन एक्सप्रेस द जीन्स. जो भी जीन्स हमने वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया है उसको एक्सप्रेस कर सकता है. सो मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर्स इज प्लास्मिड. प्लास्मिड डीएनए इज द मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर. सो द डीएनए मॉलिक्यूल्स यूज फॉर कैरिंग एन एक्सोजीनियस डीएनए इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड फैसिलिटेट्स स्टेबल इंटीग्रेशन. ओके, इट फैसिलिटेट्स स्टेबल इंटीग्रेशन एंड रेप्लिकेशन इनसाइड द होस्ट सिस्टम. वेक्टर को, मान लो वेक्टर है ये, इसमें हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया, इसको किसी भी होस्ट में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड द होस्ट विल एक्सप्रेस दीज जीन्स इन इट्स सिस्टम. ओके, सो वेक्टर्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं. सो द फर्स्ट टाइप विच यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज क्लोनिंग वेक्टर. सो क्लोनिंग का मतलब क्या है? एक जैसा दूसरा प्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस करना, डुप्लीकेशन. ओके, सो दैट इज द पर्पस ऑफ क्लोनिंग वेक्टर. तो क्लोनिंग वेक्टर में क्या होता है? अनलिमिटेड कॉपीज ऑफ सेम डीएनए फ्रैगमेंट किया जाता है. सो डीएनए इज आइसोलेटेड एंड कट इन टू स्मॉल पीसेस, जिसे एक वेक्टर में डाल के इकोलाई जैसे एक होस्ट के अंदर इंसर्ट किया जाता है. ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं हम उस प्रोसेस को. एंड नाउ दैट वेक्टर, दैट इज स्पेशली क्लोनिंग वेक्टर, विल ग्रो एंड डिवाइड. क्लोनिंग वेक्टर का मेन पर्पस इज डुप्लीकेशन, वो एक्सप्रेस नहीं करेगा. ओके, इट्स मेन पर्पस इज दैट जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हम उस वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं वो होस्ट में जाके रेप्लीकेट करेगा. एंड व्हाई इज इट यूज्ड? ये जीन लाइब्रेरीज बनाने के लिए यूज होता है. हाउ इज इट यूजफुल, ये भी हमें जानना जरूरी है. मान लो ये है आपका एक इंटरेस्ट डीएनए, मतलब कोई भी एक जीनोमिक डीएनए, कुछ भी हो सकता है. ये है एक जीनोमिक डीएनए, मैं इसको सीक्वेंस करना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि इसमें से मैं लाइब्रेरीज बनाऊं, ताकि फॉर एग्जाम्पल कोई एक लैब काम कर रही है किसी जीन के ऊपर एंड दे आर ऑर्डरिंग की उन्हें ये जीन्स की जरूरत है. सो एट द टाइम मैं जीनोमिक डीएनए में ये जीन ढूंढ के फिर वहां से निकाल के देन उनको देना इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. तो क्या कर लेते हैं कंपनीज? यूजुअली जीनोमिक डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. एंड ये छोटे छोटे टुकड़े दे यूज इट एज अ जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर में क्लोन कर देते हैं. ऐसे वेक्टर में क्लोन कर देते हैं एंड नाउ दिस विल बी प्रिजर्व्ड. जब भी कोई भी लैब या कोई भी साइंटिस्ट उन्हें इस वेक्टर्स के बारे में पूछते हैं या फिर ये जीन चाहिए उन्हें, दे विल जस्ट रिमूव दिस एंड गिव इट टू देम. सो जीन लाइब्रेरीज ऐसे ही बनती है. ओके, सो वेक्टर्स के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए सो दैट वी कैन एक्चुअली टर्म देम एज वेक्टर्स. फर्स्ट थिंग, वो होस्ट के अंदर अपने आप रेप्लीकेट कर सके. सेकेंड, उनके पास रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए ताकि इंसर्ट डीएनए, दैट इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, कैन बी इंसर्टेड इनटू इट. थर्ड, उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन होना चाहिए, तभी तो रेप्लीकेशन पार्ट हो पाएगा. फोर्थ, छोटा होना चाहिए. ओके, छोटा होना चाहिए एंड इट शुड बी एबल टू इनकॉर्पोरेट अ लार्ज सेगमेंट ऑफ इंसर्ट डीएनए. उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर्स होना चाहिए सो दैट वी कैन स्क्रीन कि रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म कौन सा है इसमें से. फॉर द स्क्रीनिंग पर्पस इट इज वेरी यूजफुल. ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन वेक्टर्स. एक्सप्रेशन वेक्टर्स वो टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं जो स्पेशली डिजाइंड
होते हैं. सो ये क्या कर सकते हैं, ये रेप्लिकेट कर सकते हैं. ऑल्सो दे कैन अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन प्रोडक्शन. जो भी हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट दिया है इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस इट. ओके, ट्रांसलेट करके प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है. एक्सप्रेशन वेक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, दैट इज प्रमोटर. प्रमोटर इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. सो अगर ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्रेशन वेक्टर में होना है देन प्रमोटर रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एज अ एमसीक्यू क्वेश्चन. ओके ओके, सो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स. क्लोनिंग वेक्टर का इंपॉर्टेंट फीचर है कि इट विल बी एबल टू रेप्लिकेट. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं ताकि वो कट करके सेगमेंट को इंसर्ट कर सके. जेनेटिक मार्कर्स होना चाहिए. ओके, द सेलेक्टेबल मार्कर्स एंड उसका मॉलिक्यूलर वेट भी छोटा होना चाहिए. वेक्टर्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि वेक्टर्स बैक्टीरिया के लिए या फिर वेक्टर्स ईस्ट के लिए. बैक्टीरिया के लिए वेक्टर्स अगर देखेंगे तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बैक्टीरियल ओरिजिन का होना चाहिए. एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए ताकि वी कैन फाइंड आउट वेदर द ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस और नॉट. एग्जाम्पल प्लाज्मिड वेक्टर, बैक्टीरियोफेज, एनकॉस्मिड, फेजमिड, फेजमिड्स, ये सब कुछ टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. नेक्स्ट इज वेक्टर्स फॉर ईस्ट. ईस्ट के लिए उसका स्पेशल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए. वी कॉल दैट ARS रीजन, दैट इज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस. ये रीजन अगर उस पर्टिकुलर वेक्टर में है देन ओनली इट विल बी एबल टू डू इट्स फंक्शन इन ईस्ट. ओके, वेक्टर्स फॉर एनिमल्स. रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में किसी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, इकोलाई या फिर ईस्ट को वी यूज इट एज अ होस्ट टू मेक प्रोटीन्स विच आर ह्यूमन ऑरिजिन. ठीक है, जैसे कि इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन को हम इकोलाई में ट्रांसफॉर्म करके वी विल मेक इकोलाई टू प्रोड्यूस दैट. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ह्यूमन जीन है हम उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक बैक्टीरियल प्लास्मिड के अंदर, देन इट इज नॉट वेरी इजी, राइट? इजी तो बिल्कुल भी नहीं है. सो उसके लिए डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वेक्टर्स के अंदर. ओके, सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वॉट काइंड ऑफ प्रोटीन यू आर मेकिंग. ओके, कितना चाहिए ये सब इसमें डिपेंड करता है. प्लांट वेक्टर्स में यूज होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए ताकि आप ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकें, जैसे कि TI प्लास्मिड, RI प्लास्मिड, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, राइट? ओके, सो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, प्लास्मिड्स. फर्स्ट टाइप इज प्लास्मिड. प्लास्मिड क्या है, एक बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है जो कि छोटा होता है, सर्कुलर होता है, खुद अपने आप रेप्लीकेट कर सकता है. ओके, फर्टिलिटी प्लास्मिड ये कॉन्जुगेशन में यूज होता है. एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इट विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड यूजिंग अ पिल्लाई. ओके, नेक्स्ट इज कॉल प्लास्मिड. कॉल मतलब कॉलिसिन. कॉलिसिन एक बैक्टीरियोसिन होता है. ओके, बैक्टीरियोसिन बैक्टीरिया को किल करने वाला. ओके, दीज प्रोटीन्स दैट किल अदर बैक्टीरिया, होस्ट को कुछ नहीं करेगा, नियर बाय बैक्टीरिया को किल कर देगा. नेक्स्ट इज रेसिस्टेंस प्लास्मिड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज बेसिकली यूज लाइक अ सेलेक्टेबल मार्कर. रेसिस्टेंस प्लास्मिड मतलब, सो दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया विच कंटेन्स रेसिस्टेंस प्लास्मिड विल बी रेसिस्टेंट टू एनी काइंड ऑफ एंटीबायोटिक और सम काइंड ऑफ पॉइजन. डिग्रेडेटिव प्लास्मिड ये क्या करता है, होस्ट बैक्टीरियम को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है. सो द फूड मटेरियल्स, स्पेशली फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने के लिए होस्ट को हेल्प करता है, जैसे कि प्लास्टिक डिग्रेडिंग बैक्टीरियाज आपने सुना होगा, दे विल हैव डिग्रेडेटिव प्लास्मिड. विरुलेंस प्लास्मिड ये क्या करते हैं, दे आर पैथोजेनिक इन नेचर. ये किसी कैंसर को कॉज करने में हेल्प करते हैं. कॉपी नंबर, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में बहुत बार पूछा गया है. वॉट इज कॉपी नंबर? कॉपी नंबर का मतलब है एक सेल के अंदर एक प्लास्मिड कितनी रेप्लिकेशंस कर सकता है, कितनी डुप्लीकेशंस कर सकता है, कितनी सेम प्लास्मिड रेप्लिकेट कर सकता है, दैट इज कॉपी नंबर. और ये
कंट्रोल्ड है बाय जीन्स ऑफ द प्लास्मिड एंड इंटरेक्शन बिटवीन द होस्ट एंड द प्लास्मिड. ओके, सम इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्लास्मिड. फर्स्ट थिंग इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि वहीं से रेप्लिकेशन शुरुआत होती है. सेकेंड, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, ये जरूरी है ताकि हम सेलेक्ट कर सके कि क्या द होस्ट ऑर्गेनिज्म, वेदर द होस्ट ऑर्गेनिज्म हैज टेकन द जीन ऑफ इंटरेस्ट. उसके लिए वी विल यूज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग जीन, दैट इज हमारा जो भी जीन हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट. प्रमोटर रीजन, अगर आप एक जीन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं इनटू अ प्रोटीन, देन प्रमोटर रीजन इज इम्पॉर्टेंट. रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्लास्मिड को कट करते हो, यू विल हैव टू यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ओनली. एवी तो नहीं कट कर सकते हम, राइट? वी हैव टू यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ताकि अ प्रॉपर प्लेस में कट होगा. हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, सो दैट दे विल हैव स्टिकी एंड्स, इजीली दे विल गो एंड बाइंड. ओके, इजीली दे विल गो एंड बाइंड. So can you see here, this is a very beautiful picture of a plasmid PBR322. बहुत ही famous है. इसका size है 4.36 किलो बेस pairs. Okay, इसमें देखिए origin of replication है, resistance gene, ampicillin resistance है, tetracycline resistance है, and these are the multiple cloning site. Can you see here PST1, SEA1, then you have EcoR1, HIND3, BAMH1, SAL1, ये सब क्या है? रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, मतलब ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट को कट कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट अ वेक्टर शुड हैव. ओके, सो ये आपके लिए रिवीजन स्लाइड जैसे आप इसे यूज कर सकते हैं, रिवीजन बॉक्स. इसमें सब कुछ है, वेक्टर्स के एलिमेंट एंड उसकी डिस्क्रिप्शन, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है. ओके, यू कैन जस्ट यूज इट फॉर अ रिवीजन पर्पस. ओके, सो आई टोल्ड यू ऑलरेडी वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए. ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होना चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होने चाहिए, एंड इस जीन को एक्सप्रेस करने के लिए एक प्रमोटर की जरूरत है. दिस इज द सिंबल ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर का सिंबल है ये. ओके, दिस इज सेम थिंग, सेम पिक्चर एक्चुअली. ओके, alright, so bacteriophage lambda, ये क्या है? Bacteriophage lambda is also a phage जिसकी, I mean this is actually used as a vector for E. coli. Okay, this can be used as a vector for E. coli. This is also a vector only. It has a head, tail and fibers. Usually lambda virus का genome होता है around 485 किलो बेस पेयर्स. So why do we use bacteriophage lambda? हम प्लास्मिड्स में देर इज अ लिमिटेशन कि आप इतना ही बेस पेयर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर सकते हैं. इफ योर इंटरेस्ट डीएनए इज ऑफ वेरी लार्ज बेस पेयर्स, देन यू कैन गो फॉर लैम्डा, दैट इज वायरस सिस्टम में आप उसे हाइब्रिडाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉस्मिड. कॉस्मिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लास्मिड एंड कॉस्साइट. कॉस्साइट इज प्रेजेंट इन लैम्डा. ओके, लैम्डा फेज. So this is also a phage system only. Next is artificial chromosomes. Artificial chromosomes lab में बनाया जाता है. क्यों? क्योंकि large fragment of DNA को incorporate करने के लिए. Okay? Two types of artificial chromosomes are there. One is bacterial artificial chromosome. Second one is yeast artificial chromosome. Okay? Bacterial and yeast. Okay. So why do we use gene cloning? जीन को क्लोन क्यों करते हैं? ताकि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन मिल सके. जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसुलिन. इंसुलिन इज वाइडली यूज नाउ फॉर डायबिटीज ट्रीटमेंट. अगर हमारे पास इंसुलिन नहीं है, ओके, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग इट टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, देन वेयर विल वी गेट इंसुलिन फ्रॉम? वी कैन नॉट गेट इंसुलिन फ्रॉम एनिमल्स. एक तो प्रॉब्लम है, एनिमल्स को किल करना पड़ेगा. सेकेंड थिंग इज, एनिमल के पास जो इंसुलिन है और ह्यूमन के पास जो इंसुलिन है, वो दे आर नॉट आइडेंटिकल. तो जब आप एनिमल बॉडी की इंसुलिन को लेके ह्यूमन में डालोगे, इट विल कॉज एलर्जिक रिएक्शन. सो हम नहीं कर सकते ऐसा. इनिशियली ऐसा किया जाता था, देन दे फाउंड आउट दैट ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ एनिमल्स इंसुलिन, इट इज कॉजिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन ह्यूमन्स, सो दैट कैन नॉट बी डन. इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी केम इनटू प्लेस.
ऑल्सो कितने एनिमल्स को किल करोगे आप, नहीं कर सकते, राइट? ओके, सो क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग कैसी होती है? ये है आपका डिजायर्ड डीएनए, दैट इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आप एक जीनोमिक डीएनए से, किसी भी प्लास्मिड डीएनए से कट करेंगे यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके आप प्लास्मिड को भी कट करेंगे। देन यू विल पुट दिस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन दिस प्लास्मिड एंड इट विल बिकम अ रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, क्योंकि इसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने इंसर्ट कर रखा है। देन यू यूज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस टू मेक दिस बैक्टीरिया टू अपटेक द फॉरेन प्लास्मिड, दैट इज रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को वो अपटेक करेगा। देन जैसे ही बैक्टीरिया ग्रो करेगा, दिस पर्टिकुलर वेक्टर विल, दैट इज द प्लास्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड विल डुप्लीकेट, या अगर ये एक्सप्रेसिव टाइप ऑफ वेक्टर है देन इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस द जीन प्रोडक्ट। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ जीन क्लोनिंग। अभी हम डिटेल में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट थिंग, प्लास्मिड क्या है? इट इज अ स्मॉल सर्क्यूलर डीएनए, ओके, जो कि हम एक बैक्टीरिया से निकाल लेते हैं, एंड नाउ इट कैन बी यूज एज अ वेक्टर टू कैरी योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो इस प्लास्मिड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होना चाहिए, ओके, एंड वी कैन ऑल्सो हैव अनदर मार्कर, दैट इज लैग जी, ओके, लैक्टोज जी जीन यूज कर सकते हैं जो कि कलर प्रोड्यूस करेगा। एंड मल्टीपल क्लोनिंग साइट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वी विल इंसर्ट अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन मल्टीपल क्लोनिंग साइट, इट शुड हैव रेस्ट्रिक्शन साइट्स, प्रमोटर की जरूरत है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत है। सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी प्रेजेंट इन अ प्लास्मिड। ओके, सेकेंड थिंग, डीएनए दैट इज कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसे भी हम निकालेंगे। एक सेल के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसकी डीएनए में प्रेजेंट होगा, विल यूज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू कट द जीन ऑफ इंटरेस्ट, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू कट द प्लास्मिड, ओके, क्योंकि देन ओनली इट विल फॉर्म अ स्टिकी एंड, ताकि दे विल स्टिक विद ईच अदर प्रॉपरली। ओके, थर्ड स्टेप, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके हम कट करेंगे। फोर्थ स्टेप, इट ब्रेक्स द डीएनए लीविंग ओवर हैंग्स, दैट इज स्टिकी एंड लीव करेगा, एंड देर विल बी अ प्रॉपर बाइंडिंग ऑफ योर वेक्टर एंड द जीन ऑफ इंटरेस्ट। एंड हाउ डज इट बाइंड? बाइंडिंग कैसे होती है? दो इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स होते हैं, एक है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज एंड द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ? दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में होती है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बगल वाले बेसिस के बीच में होता है, एंड दिस विल बी लिंक्ड यूजिंग डीएनए लिगेज। बॉन्ड तो ये है, मगर लिंकिंग के लिए लिगेज एंजाइम की यूजफुल होता है। ओके, डीएनए लिगेज विल मेक द बॉन्ड परमानेंट, स्टिच कर देता है। ओके, सो द प्लास्मिड्स आर मिक्स्ड विद द बैक्टीरिया। ओके, आपका पूरा रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड बन गया। नाउ यू गोइंग टू मिक्स दिस प्लास्मिड विद द बैक्टीरिया, एंड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहां बैक्टीरिया विल अपटेक फ्रॉम द सराउंडिंग, नेचुरली ऐसा होता है, बट सिंस वी आर डूइंग इट इन द लैब, वी विल यूज हीट शॉक टेक्निक। हीट शॉक टेक्निक में हम हीट देंगे, देन वी विल गिव कोल्ड। ओके, थोड़ा सा गर्म करेंगे, देन वी विल कीप, आई मीन वाटर बाथ में विल हीट इट फॉर 2 मिनट्स एट 60 डिग्रीज, देन वी विल कीप इट इन आइस। तो क्या होगा, जैसे आप हीट में रखोगे, द पोर्स विल ओपन एंड द प्लास्मिड विल गो इनसाइड एंड क्लोज। एंड अनदर मेथड इज देयर, कैल्शियम मेथड, ओके, कैल्शियम क्लोराइड मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज, एंड मैग्नीशियम आयोन्स विल ऑल्सो बी यूज। ओके, वंस द बैक्टीरिया हैज टेकन अप द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओके, बैक्टीरिया ने जीन ऑफ इंटरेस्ट अपने अंदर ले लिया है, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को ले लिया है, देर आर थ्री सिचुएशंस। फर्स्ट सिचुएशन इज बैक्टीरिया डिड नॉट टेक अप द रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, ये एक सिचुएशन है। सेकेंड सिचुएशन, बैक्टीरिया टुक रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, वेरी गुड। थर्ड सिचुएशन है कि रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड बना ही नहीं। ओके, देयर इज अ ऑप्शन कि
जो प्लास्मिड हम तोड़ रहे हैं यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो सेल्फ लिगेट भी तो हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि हमेशा हर प्लास्मिड के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जाके इंसर्ट होगा, नॉट नेसेसरी। रिकॉम्बिनेंट मतलब रिकॉम्बिनेंट ही नहीं है वो प्लास्मिड, प्लास्मिड सेल्फ लिगेट हो गया एंड दिस टाइप ऑफ अ प्लास्मिड एंटर इन टू द बैक्टीरिया। ओके, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अस सी बैक्टीरिया टुक अप नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। सो ये तो तीन सिचुएशंस है, हमें सिर्फ सिचुएशन टू का प्रोडक्ट्स चाहिए। वन को निकाल देना है, थ्री को भी निकाल देना है। बैक्टीरिया डिड नॉट टेक अप द रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। सो बैक्टीरिया तो नॉर्मल है, पहले जैसे था तब अभी भी वैसा ही है। ओके, बैक्टीरिया टुक द रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, मतलब इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ओके, लैक्सी जीन। सो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड के पास होता है। बैक्टीरिया टुक अप नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड उसने ले लिया है, देन इट विल, दो ये ट्रांसफॉर्मेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बट इट विल नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। ओके, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड नहीं है। सिर्फ रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड में ये सारी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, लैक्सी जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये सब प्रेजेंट होगा। ओके, सो नाउ यू कैन एक्चुअली डिवाइड देम इनटू थ्री, एक्चुअली टू, ट्रांसफॉर्मेंस, नॉन ट्रांसफॉर्मेंस। ट्रांसफॉर्मेंस मतलब एक्चुअली इट हैज टेकन अप सम प्लास्मिड, वो रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, उसने प्लास्मिड लिया है कि नहीं। सो बैक्टीरिया दैट टुक अप द नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड इज ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेंट, ये ट्रांसफॉर्मेंट ही है। ओके, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेंट, ओके, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेंट, ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है, बट दिस इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सो वी विल यूज एसेज टू रिमूव द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, एंड उसके लिए हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। ओके, प्लास्मिड में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होता है। सो इफ द बैक्टीरिया हैज टेकन अप द प्लास्मिड, रिकॉम्बिनेंट है ना नॉट रिकॉम्बिनेंट, डोंट बॉदर नाउ, ओके, एट द स्टेज डोंट बॉदर। इट हैज टेकन अप अ प्लास्मिड, ओके, इफ इट हैज टेकन अप अ प्लास्मिड देन इट विल हैव अ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को वी विल प्लेट दम इन एंटीबायोटिक मीडियम, जैसे कि एम्पिसिलिन मीडियम में हम उसे प्लेट करेंगे। प्लास्मिड अगर बैक्टीरिया ने ट्रांसफॉर्म करके ले लिया है, देन इट विल हैव एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन, देन इट विल बी एबल टू ग्रो। एंड दिस बैक्टीरिया विच हैज नॉट टेकन अप एनी प्लास्मिड, विच इज अ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दिस विल नॉट बी एबल टू ग्रो, क्योंकि उसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन नहीं है। तो वी आर एलिमिनेटिंग दिस वन, एलिमिनेट कर लिया, वेरी गुड। नाउ दिस नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड की जरूरत नहीं है, वी वॉन्ट ओनली रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, एंड फॉर दैट वी विल यूज लैक्सी जीन, अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो वॉट डज लैक्सी, लैक्सी के बारे में लैकोपेरॉन में हमें पड़ा है। लैक्सी क्या करता है, दिस विल प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, और ये क्या करता है, ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है इंटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। एम आई राइट, सही बोला ना मैंने? ओके, तो अब क्या होगा, ये लैक्सी जीन विल बी प्रेजेंट इन द जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मान लो ये है आपका प्लास्मिड, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, मल्टीपल क्लोनिंग साइट में ही लैक्सी प्रेजेंट होता है, मतलब ये है लैक्सी, ओके, दिस इज लैक्सी, लैक्सी ये पूरा का पूरा स्ट्रेच इज लैक्सी, इसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। ओके, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैंने प्लास्मिड को तोड़ दिया और मल्टीपल क्लोनिंग साइट में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, मतलब क्या है, लैक्सी इज इंटरप्टेड, लैक्सी इज इंटरप्टेड, ये जीन पूरा नहीं है,
लैगजी यहां तोड़ा है, यहां तोड़ा है, बीच में मैंने गैप बना के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया. सो लैगजी इज नॉन फंक्शनल. सो व्हेन योर जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड, दैट इज अगर रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है तो इट विल नॉट हैव अ फंक्शनल लैगजी. अगर रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड नहीं है देन इट विल हैव अ फंक्शनल लैगजी. एंड हाउ विल वी फाइंड दिस आउट? हम इस बैक्टीरिया विच इज हैविंग द रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, वी आर गोइंग टू प्लेट इट इन अ मीडिया. वी आर गोइंग टू प्लेट इट इन अ मीडिया. ओके, वी आर गोइंग टू प्लेट इट एंड वी आर गोइंग टू यूज आईपीटीजी. आईपीटीजी इज एन इंड्यूसर, एलो लैक्टोज की तरह काम करता है जो कि लैक ओपेरॉन को इंड्यूस करेगा. अगर आपका रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड उस बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो लैगजी तो एनीवे काम नहीं करेगा क्योंकि दैट इज इंटरप्टेड. इट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम. बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करेगा, सो इट विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द लैक्टोज. ओके, सो इट विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द सबस्ट्रेट एक्सगाल. एक्सगाल एक सबस्ट्रेट है, कलर्ड सबस्ट्रेट है. बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम इसको ब्रेक कर सकता है क्योंकि रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड बीटा गैलेक्टोसिडेज को बना ही नहीं सकता. एक्सगाल को इट विल नॉट बी एबल टू ब्रेक. सो योर कॉलोनीज विल बी वाइट इन कलर. सो रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड कॉलोनीज विल बी वाइट इन कलर. सेकेंड सिनेरियो, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है आपके पास, इसमें लैगजी जीन इज फंक्शनल. तो अब ये क्या करेगा? लैगजी विल बी एबल टू प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, दैट विल बी एबल टू ब्रेक एक्सगैल एंड ब्लू कलर प्रोडक्शन होगा. सो ब्लू कलर कॉलोनीज क्या है? दे आर हैविंग नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड. व्हाइट कलर कॉलोनीज आर दोस दैट इज हैविंग रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड. कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझना है. मैंने बहुत स्लोली आपको पढ़ाया है ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ ले. ओके, सो स्क्रीनिंग टेक्निक्स में हम ये और एक बार देखेंगे. स्क्रीनिंग टेक्निक्स मतलब हम स्क्रीन करेंगे कि वी नीड टू नो कि क्या हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें प्रेजेंट है कि नहीं. सो द फर्स्ट मेथड इज कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. सो कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में वी आर ग्रोइंग द कॉलोनीज इन अगार प्लेट. ओके, वी आर ग्रोइंग देम. देन वी आर गोइंग टू यूज अ रेप्लिकेट प्लेटिंग मेथड जिसमें कॉलोनीज को हम नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन से यूज करके टच करेंगे एंड वी विल ग्रो, आई मीन वी विल टेक इट. ओके, उस नाइट्रोसेलुलोस फिल्टर से टच करेंगे देन वी विल टेक इट. ओके, देन वी आर गोइंग टू ट्रीट इट विद एल्कलाई. एल्कलाई क्या करेगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में अलग कर देगा. देन वी आर गोइंग टू यूज प्रोब्स, एमआरएनए प्रोब्स यूज करेंगे. That will be going and binding to your gene of interest only. Okay? And they are radio labeled. Then you will use autoradiography to figure out where your gene of interest is. So, you will figure it out. Okay, yahi hamara gene of interest hai. This location, you will trace back here. You will get second colony mein your gene of interest is present. Next is southern blotting. Southern blotting technique. Isme kya hota hai? जीनोमिक डीएनए को लिया जाता है जिसमें आपके यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट है. वी आर गोइंग टू यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्लीव द डीएनए फ्रेगमेंट्स, देन वी आर गोइंग टू रन दैट इन अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. देन यू विल ब्लॉट फ्रॉम द जेल टू द नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन. ओके, पीवीडीएफ मेम्ब्रेन या फिर नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन में सारे फ्रेगमेंट्स को हम ब्लॉट करेंगे. देन वी विल यूज हाइब्रिडाइजेशन प्रोब दैट इज रेडियो लेबल टू गो एंड बाइंड टू योर जीन ऑफ इंटरेस्ट. Then we will see in autoradiography where is your gene of interest. Then ISCO, okay, this we will trace back to the this we can trace back to this particular agarose gel and find out. Okay, next is replica plating method. ये मैंने आपको already बताया है. Ampicillin resistant colonies, they will be able to grow. Okay, and the tetracycline, okay, ठीक है, मैं आपको पहले से बताती हूँ. सो व्हाट हैपेंस इज यू हैव अ प्लास्मिड. ओके, आपके पास दो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है, एक है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन और दूसरा है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन. ओके, मान लीजिए आप यूज कर रहे हैं
मल्टीपल क्लोनिंग साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन जीन एंड इंसर्टिंग योर जीन ऑफ इंटरेस्ट. नाउ टेट्रासाइक्लिन इज ब्रोकन द जीन सेगमेंट एंड इट विल नॉट बी एबल टू बी फंक्शनल. ओके नाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दिस इनटू अ बैक्टीरिया. आपको फाइंड आउट करना है, स्क्रीन करना है कि ये वाला बैक्टीरिया कौन सा है जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है. सो वॉट यू विल डू, यू विल एक्चुअली प्लेट देम. ओके इसे आप प्लेट करेंगे इन अ मतलब एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस मीडिया में. ओके एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस मीडिया में अगर प्लेट करेंगे देन यू विल नो कि यस हमारा जीनो मतलब रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड इसमें है, आई मीन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. ओके देन यू हैव टू फाइंड आउट रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड. तब क्या करेंगे, यू विल प्लेट इन टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस प्लेट. जो कॉलोनीज टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट प्लेट में मर जाते हैं यू कैन ट्रेस बैक फ्रॉम द एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस. यू विल नो दैट ओके दोज आर द कॉलोनीज विच डज नॉट हैव द आई मीन विच डज हैव द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड यू कैन टेक फ्रॉम दिस एम्पिसिलिन प्लेट एंड यूज. समझ में आ रहा है क्या आपको, हम प्लेट करेंगे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस प्लेट में ताकि यू कैन एलिमिनेट ऑल द नॉन ट्रांसफॉर्मेंस. नाउ यू हैव टू फाइंड द रिकॉम्बिनेंट देन यू विल प्लेट इन टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस प्लेट. क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन के बीच में जाके घुस गया है, नाउ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन विल नॉट वर्क. सो योर बैक्टीरिया विल डाई इन टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस प्लेट. जहां भी आपका डेथ दिख रहा है, जहां ग्रोथ कॉलोनीज नहीं है, दोज आर द कॉलोनीज विच इज कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट. यू कैन ट्रेस बैक इट फ्रॉम द एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट प्लेट एंड यू कैन पिक दोज कॉलोनीज एंड यूज. ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग ये मैंने आपको अभी अभी बताया था. मल्टीपल क्लोनिंग साइट ऑफ फ्लैगजी, इसमें आप क्या करेंगे, दिस इज अ नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट गया नहीं है. सो इट इज अ फंक्शनल लैगजी. इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम. दिस एंजाइम कैन ब्रेक एक्स गैल एंड प्रोड्यूस ब्लू कलर. रिकॉम्बिनेंट वेक्टर विद इंसर्ट इंसर्ट विद इन मल्टीपल क्लोनिंग साइट. इसका मतलब है कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट में जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया है, देन लैगजी इज ब्रोकन, इट इज नॉट फंक्शनल. सो दिस पर्टिकुलर जीन विल नॉट, जीन तो फंक्शनल ही नहीं है, सो इट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसिडेज. तो एक्सगाल की तो कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, सो द कॉलोनीज विल बी वाइट इन कलर. ब्लू कलर का कोई ऑप्शन ही नहीं है. ओके वाइट, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, कर लीजिएगा. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीएनए लाइब्रेरीज. सो डीएनए लाइब्रेरीज मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीन्स को आइसोलेट करके छोटे छोटे टुकड़ों में करके दैट विल बी विद ट्रांसक्राइब्ड विद इन अ वेक्टर एंड दैट कैन बी यूज्ड एज अ स्टोरेज. लाइब्रेरी में आप स्टोर करके रख सकते हैं, वेन एवर रिक्वायर्ड आप उसको निकाल के यूज कर सकते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, वन इज जीनोमिक डीएनए की लाइब्रेरी, सेकेंड वन इज सीडीएनए लाइब्रेरी. डिफरेंस है कि जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी में इंट्रॉन्स एग्जॉन्स सब कुछ होता है, सीडीएनए लाइब्रेरी में परफेक्ट एमआरएनए होता है, परफेक्ट एमआरएनए का सीक्वेंस होता है. उसमें आपको कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है. इट विल नॉट हैव इंट्रॉन्स, इट विल हैव ओनली एक्सॉन्स. ओके सो अ सीडीएनए लाइब्रेरी इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सीडीएनए फ्रैगमेंट्स ईच ऑफ विच हैज बीन क्लोन्ड इन अ सेपरेट वेक्टर मॉलिक्यूल. CDNA का फ्रेगमेंट छोटा छोटा टुकड़ा किया, देन पुट इट इनसाइड अ वेक्टर एंड कीप इट इन अ लाइब्रेरी. जब चाहिए उसको निकाल के यूज कर लो. सो इन केस ऑफ CDNA लाइब्रेरीज वी प्रोड्यूस DNA कॉपीज ऑफ द RNA सीक्वेंस, राइट. mRNA को वी आर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस यूज करके हम CDNA बनाते हैं. ओके सो मच मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक DNA विल हैव रिपीटेटिव सीक्वेंस, इट विल हैव इंट्रॉन्स एंड ये सब नहीं चाहिए हमें. दैट इज वाई वी आर प्रिफरिंग CDNA लाइब्रेरी. ओके सो वेक्टर्स यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ CDNA लाइब्रेरी, द वेक्टर्स मोस्ट कॉमनली यूज इज लैम्डा फेज. उसका इंसर्ट साइज इज अप टू 20-30 किलो बेस पेयर्स. रिमार्क्स आप देखेंगे तो क्योंकि बड़ा मैक्सिमम साइज है तो अच्छी तरह से इंसर्ट हो जाएगा. इंसर्शन वेक्टर सिस्टम कैन बी यूजुअली यूज फॉर दिस एंड वी कैन एक्चुअली स्टडी द इंडिविजुअल जीन्स एंड इट्स फंक्शंस. इट्स अ वेरी गुड जीन ट्रांसफर सिस्टम. इकोलाई का अच्छी तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर DNA मैनिपुलेशन पर्पस ऑल्सो. नेक्स्ट इज बैक्टीरियल प्लास्मिड्स, बट द साइज ऑफ द इंसर्ट इज लिटिल बिट लेस. सेम फंक्शन बट द साइज इज लेस.
सो इसका प्रोसीजर है, पहले हम एमआरएनए को निकालेंगे फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल्स, विल प्यूरिफाई द एमआरएनए. देर आर सेवरल मेथड, ट्राइजोल एक्सट्रक्शन एंड कॉलम प्यूरिफिकेशन इज अ वेरी कॉमन मेथड. ओके, जिसमें हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज करके वी विल प्यूरिफाई द एमआरएनए. ओके, कैन यू सी हियर, दिस इज योर एमआरएनए. एमआरएनए में क्या होता है, पॉली ए टेल होता है. पॉली ए टेल होता है, यू आर गोइंग टू टेक ओलिगो डी टी प्राइमर, जो कि इट विल अटैच इट सेल्फ टू द ए टेल, पॉली ए टेल. ओके, देन यू विल यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. ये क्या करेगा, इसको टेम्पलेट मानेगा. इट विल मेक यूज ऑफ दिस एज अ टेम्पलेट. ओलिगो डी टी विल बी प्राइमर एंड अ न्यू स्ट्रैंड विल बी सिंथेसाइज, दैट इज योर सी डी एन ए स्ट्रैंड. नेक्स्ट यू विल यूज आर एन एज एच एंजाइम. आर एन एज एच एंजाइम क्या करता है, डीएनए आर एन ए हाइब्रिड. दिस इज वन सेकेंड, दिस इज आर एन ए एम आर एन ए, दिस इज डी एन ए सी डी एन ए. सो इट इज अ हाइब्रिड नाउ ना, इसको तोड़ना है. उसके लिए आर एन एज एच एंजाइम इज यूज. वेरी गुड एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यू क्वेश्चन. ओके, इसको ब्रेक करने के लिए यू विल यूज आर एन एज एच. नाउ आपको सी डी एन ए ही चाहिए. सो आर एन एज एच क्या करेगा, इट विल रिमूव द बॉन्ड बिटवीन द एम आर एन ए एंड सी डी एन ए, एंड आर एन ए को छोटे छोटे टुकड़ा में कर देगा. नाउ यू विल हैव ओनली द डी एन ए सी डी एन ए. सी डी एन ए को नाउ यू हैव टू सिंथेसाइज इट्स डबल स्ट्रैंड, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. फॉर दैट यू विल यूज डी एन ए पॉलीमरेज एंजाइम. नाउ यू विल गेट सी डी एन ए डबल स्ट्रैंडेड सी डी एन ए. दिस इज हाउ यू विल जेनरेट अ सी डी एन ए लाइब्रेरी. ओके, सी डी एन ए लाइब्रेरी ऐसे ही बनता है. थर्ड, आई मीन नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, एक्सट्रैक्शन ऑफ एम आर एन ए. सेकेंड स्टेप, वहां से सी डी एन ए बनाना. थर्ड स्टेप इज क्लोनिंग. क्लोनिंग भी तो करनी है ना आपको. आपको डबल स्टैंडर्ड सी डी एन ए मॉलिक्यूल मिल चुका है. नाउ इट विल ऑलवेज हैव रिस्ट्रिक्शन साइट. यू यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड कट दिस डबल स्टैंडर्ड डी एन ए इंटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स. कट कर देंगे. ओके, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करके. देन यू विल यूज अ वेक्टर. वेक्टर में फ्रैगमेंट, ईच ऑफ दिस फ्रैगमेंट विल बी अटैच इन अ वेक्टर. इस वेक्टर में मानो ये फ्रैगमेंट अटैच हो गया, अनदर वेक्टर में ये वाला फ्रैगमेंट अटैच हो गया, अनदर वेक्टर दिस फ्रैगमेंट इज अटैच्ड. ऐसे हर एक वेक्टर में वन ऑफ द फ्रैगमेंट विल गो एंड रिजाइड. ओके, एंड नाउ दैट विल बी एक्टिंग एज अ लाइब्रेरी. आप उसको अपने पास रख सकते हैं. वेन एवर एनी लैब आस्क कि ये जीन्स चाहिए मुझे, तो उस वेक्टर को निकालो, दे दो. एडवांटेज इज दैट इट इज एनरिच विद फ्रैगमेंट्स फ्रॉम एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड जीन्स. सी डी एन ए में वो जीन्स होते हैं जो कि एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, इंट्रॉन्स नहीं होता. डिसएडवांटेज इज दैट इट इज लाइक मैच्योर एम आर एन ए से ही बनता है, इंट्रॉन्स इसमें नहीं होता. सो इसको एक्चुअल जीनोमिक डीएनए आप नहीं कह सकते. एंड फॉर द पर्पस ऑफ अटैचमेंट ऑफ यूअर जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज सी डी एन ए इन टू द वैक्टर, यू नीड प्रमोटर्स एंड एनहेंसर्स. दैट इज वाई ये होमोपॉलीमर टेलिंग, दीज आर नथिंग बट टू एड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस, ताकि दैट विल बी यूज एज अ रेस्ट्रिक्शन साइट. क्योंकि इसमें खुद रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, सो आपको रेस्ट्रिक्शन साइट्स ऐड करना पड़ेगा. सो दैट इज होमोपॉलीमर टेलिंग. ओके, अब ऐड करेंगे ओनली देन यू विल बी एबल टू यूज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड कट इट. सो दैट इज अ प्रॉब्लम विद दिस. एंड कट करने के बाद अगेन यू विल हैव टू यूज अनदर लिंकर टू अटैच इटसेल्फ टू द वेक्टर. सो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट इट इज अ वेरी गुड प्रोसेस. एप्लीकेशन, हम नॉवल जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फुल लेंथ ऑफ सी डी एन ए को हम इनविट्रो जीन फंक्शन की स्टडीज के लिए यूज कर सकते हैं. देन इट विल एक्ट लाइक ए रेपोसिटरी, जहां सारे एम आर एन ए